नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में आई 10वीं पास के लिए भर्ती के बारे में, जो कि मल्टी वेरियस वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सब आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो अब चलते हैं वीडियो पे। जो नोटिफिकेशन आया है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, अशोक विहार 3 दिल्ली, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, लक्ष्मी बाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अशोक विहार विल होल्ड इंटरव्यू फॉर फिलिंग अप 13 पोस्ट ऑफ एमटीएस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो इसकी डिटेल इन्होंने नीचे दे दी है। इन्होंने बोला है कोई भी टीए डीए कैंडिडेट को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है, द नंबर एंड नेचर ऑफ पोस्ट में वेरी एंड द कॉलेज होल्ड द राइट नोट टू फिल द पोस्ट एडवर्टाइज्ड, द इंटरव्यू मे बी पोस्टपोन्ड, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल नॉट बी इंटरव्यूड। जो बंदा शेड्यूल टाइम से लेट हो जाएगा उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब बताते हैं नेम पोस्ट के बारे में। एमटीएस ऑफिस की जो टोटल पोस्ट हैं 7, क्वालिफिकेशन आपकी है 10वीं पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, एज लिमिट 27 साल रहेगी, एज रिलैक्सेशन के जो SC ST OBC को कैंडिडेट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलते हैं वो ज़रूर मिलेंगे। इसकी जो डेट है इंटरव्यू की वो 19 जनवरी 2019 है, सुबह 10 बजे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे का। दूसरे नंबर पर है MTS माली की, 2 पोस्टें हैं, 10वीं पास, सेम एज क्राइटेरिया रहेगा, सेम डे इंटरव्यू है और सेम ही इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पे, MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट, इसकी 3 पोस्टें हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी आपकी। MTS जूनियर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, इसमें 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड, 27 साल एज रहेगी, एज रिलैक्सेशन के जो बेनिफिट है वो जरूर दिए जाएंगे, सेम डे इसका वॉक इन इंटरव्यू है और सेम ही रिपोर्टिंग टाइम इसका रहेगा। ये ऑफिशियल नोटिस है, प्रिंसिपल की यहाँ पे साइन हो रखे हैं, सब कुछ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।